आजाद साहब ने अभी सभी साथियों को कांग्रेस में शामिल किया है सोनिया जी के नेतृत्व में। मैं इनका स्वागत करता हूं और सारे साथी अशोक अरोड़ा जी हैं, सुभाष गोयल जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, प्रदीप जी हैं, किसी न किसी रूप में मेरे साथ रहे। अशोक अरोड़ा जी विधायक रहे मेरे साथ कई दफा, और आपका जयप्रकाश जी मेरे साथ विधायक भी रहे, मेरे साथ सांसद भी रहे। सुभाष जी मेरे साथ विधायक थे और मंत्री थे जब मैं विपक्ष में था। मैं विपक्ष का नेता था जब ये दोनों मंत्री थे, ये ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, ये और लोकल बॉडीज के मिनिस्टर थे। और प्रदीप जी भी मेरे साथ एक टर्म एमएलए रहे। तो इन साथियों का व्यवहार सदैव जो है असेंबली में भी सरकार में भी जो एक प्रजातंत्र में जैसा होना चाहिए वैसा रहा। विपरीत हो सकता है, इनकी पार्टी से मेरे मतभेद थे इनके नेताओं से, लेकिन इनका स्वयं का व्यवहार बिल्कुल सही था। और आज बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। इससे कांग्रेस पार्टी को बड़ी भारी शक्ति मिलेगी और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भार करने के लिए और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए ये बहुत काम वो हमारे को बहुत मदद मिलेगी। तो इनका स्वागत है और मैं विश्वास दिला सकता हूं इनको कि जिस आस्था से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिस उम्मीद से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इनको सदैव पार्टी में पूरा मान सम्मान और उचित स्थान मिलता रहेगा, ताकि जिस प्रकार से कार्य करते रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं जो इनके साथ आए हैं। बहुत सारे कॉरपोरेटर हैं, जिला कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष हैं और जिलों के ब्लॉकों के अध्यक्ष हैं और बहुत सारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन सभी का स्वागत है। और पूरी पार्टी इनके शामिल होने से आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ा है और लोगों का भी ये हुआ है कि एक तरह से कांग्रेस की पक्ष में हवा जो चलेगी उसमें इनका बड़ा भारी योगदान रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत बहुत इनको बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।